नमस्कार, न्यूज 11 भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। खबर खास है इसीलिए आने में देरी हुई है, माफी चाहता हूं। सीबीआई की रडार पर कोयले का काला कारोबार, काले हीरे के जो कारोबारी हैं, पहले तो जौहरी होते हैं और उसके बाद कारोबारी बनते हैं। जौहरी इसलिए क्योंकि पोस्टिंग के लिए भी भारी भरकम चढ़ावे का खेल होता है। आज बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा कर दिया कि जिस एसपी पर पलामू में गंभीर आरोप लगे, जिसके खिलाफ विपक्ष अग्रेसिव रहा, वही एसपी धनबाद की कमान संभालता और डीआईजी में प्रोन्नति होने के बावजूद उनको वहां की पोस्टिंग में रखा जाता है और उसके बाद दुमका का डीआईजी बनाया जाता है। सवालों के घेरे में पूरा मामला है, मामला गंभीर है। याचिकाकर्ता है वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी साहब। अरूप चटर्जी साहब ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया है, यह आदेश दिया है कि सीबीआई धनबाद के कोयला चोरी के मामलों की जांच करेगी। कोयला चोरों की तो नींद उड़ गई होगी, जो भी लोग कोयला चोर होंगे। अभी अभी हमने आपको दिखाया किन के हार्ड कोक भट्टों में आज भी अवैध कोयले का भंडारण किया जा रहा है। सबसे पहले अतिथियों का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ इस पूरे मामले को नजदीक से समझने वाले याचिकाकर्ता वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी साहब है। अरूप जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत की स्क्रीन पर। इस मामले को हाईकोर्ट तक ले जाने वाले, हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने वाले, अरूप जी का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता ऋषभ जी भी हमारे साथ है। ऋषभ जी, स्वागत करते हैं आपका। और इनके अलावा भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ हैं, जेएमएम से बटर सिंह साहब हमारे साथ हैं और आजसू से परवाज खान साहब हमारे साथ हैं। आप सभी अतिथियों का स्वागत है। अरूप जी, पहला सवाल आपसे ही शुरू करता हूं। बहुत निर्णायक मोड़ रहा है आज का। झारखंड हाईकोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया है कि सीबीआई जांच करे कोयला चोरी की, जिसको लेकर 19 जुलाई 2022 से करीब 1000 दिनों की मुहिम आपने चला रखी थी। पहले खबरें चलाई, खबरें चलाने के बाद आपको जेल भेजा गया। जेल में जो यातनाओं का दौर होता है वो तो गुजरा ही, लेकिन जेल से निकलने के बाद भी मनोबल टूटा नहीं, आप जूझते रहे और आज कहीं ना कहीं एक प्रकाश की किरण नजर आ रही है, इंसाफ की आस जाग रही है। अरूप चटर्जी साहब, देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं कि ये जब मेरे जेल जाने से सिर्फ 4 महीने पहले ये कोयले का अवैध कारोबार, उससे पहले भी बदस्तूर चल रहा था, लेकिन 4 महीने पहले जब पुख्ता सबूत हाथ लगने लगे और उसके बाद हमने खबर चलाया और हमारे ऊपर एक रंगदारी का केस करवा के हमें वो, मैं इस विषय पर नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मामला विचाराधीन है जी, कोर्ट के अंदर है, हमें जेल भेजा गया। और मैं आपको बता दूँ तो उस दौरान मैं जब जेल में था, उस समय मैं अखबार का कतरा, जो अखबार जो कटिंग हो रहा था, मैं वो रखता था क्योंकि जेल में टेलीविज़न थे, लेकिन टेलीविज़न तो अब रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अखबार का कतरन को काट काट के मैं संजोत के रखता था और मैं उसको बाहर लेके भेजता था अपने लोगों के पास कि इसको रखो संभाल के। मेरे को उस दिन भी ये कॉन्फिडेंस था कि मैं जिस दिन निकलूँगा एक दिन ना एक दिन इसके मामले को बड़ा एक एजेंसी के हवाले करना ही पड़ेगा, चूँकि ये जो लूट का वारदात है ना, ये 1,20,000 करोड़ का है, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है। और मैं आपको बता दूं कि आज माननीय हाईकोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिए हैं वो काफ़ी स्वागत योग्य है और एक मनोबल को ऊंचा करने वाला एक ये आदेश है। मैं आपको बता दूं कि अभिषेक जी, ये जो जिनके जिनके ऊपर मैंने केस किया है जी, एक संजीव कुमार जी, आप देखेंगे इसमें ईडी बहुत जल्द आने वाले हैं क्योंकि जैसे ही पुख्ता सबूत मिलेंगे सीबीआई पे एफआईआर करेगी और एफआईआर करने के बाद ईडी को भी आना चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है। मैं तो ये बोलूँगा इसमें फेमा के तहत भी केस दर्ज होंगे क्योंकि बहुत ऐसे पैसे हैं जो कि भाया सिंगापुर ये लंदन में पार्क किया हुआ है। और मैं तो आग्रह करूंगा कोर्ट में आए डालूंगा कि संजीव कुमार के पासपोर्ट को अति जल्द सीज कर लिया जाए। संजीव कुमार ही नहीं, 5-6 ऐसे व्यापारी हैं संजीव कुमार के जो पार्टनर हैं, उनका पासपोर्ट को अविलंब जब्त करें, नहीं तो ये भारत छोड़ के भाग जाएगा। और सारे पैसे लैंड होते थे रांची में, अब रांची में कहाँ होते थे ये तो अब सीबीआई ढूंढेगी, ये अब ईडी ढूंढेंगे। हमारा काम तो जितना था, मैंने ये कहा था कि झारखंड, और मैं धनबाद का रहने वाला हूँ, धनबाद में पैदा लिया हूँ, धनबाद में बड़ा हुआ हूँ, धनबाद में खेला हूँ और धनबाद से ही पत्रकारिता शुरू किया हूँ। मैंने ये बोला था कि देखो आप जो कर रहे हो
एक खबर को दबाने के लिए इतना बड़ा साजिश किए हो, मेरे चैनल को बंद करने के लिए इतना बड़ा साजिश किए हो, इनके पीछे कई आकाएँ थे, क्योंकि हमाम में करीब करीब सारे लोग आप नंगे होंगे, आप देखेंगे, आप वक्त आने दीजिए, वो भी दिन देखो मैं देख पाऊंगा कि एक बहुत बड़ा इस पे खबर हम लोगों के सामने आती रहेगी कि किस तरह से सीबीआई और ईडी जांच कर करके चीज़ें और सामान बरामद करे। लेकिन मेरा पहला ये होगा, जिस दिन सीबीआई इस केस को दर्ज करेगी, मैं पहला आग्रह करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, आई फाइल करूंगा और बोलूंगा संजीव कुमार का पासपोर्ट और कई ऐसे नाम है जो मेरे पास अभी याद में नहीं है जी, उनके पासपोर्ट को जब्त किया जाए। और कुछ एक का तो मेरे पास संपत्ति का डिटेल अभी मेरे पास पड़ा हुआ है जी, जो मेरे पास पड़ा हुआ है कि कैसे इन्होंने, आप चले जाइए पुंदा के, यहाँ से थोड़े ही दूर में है ये प्रतुल जी भी जानते होंगे या बटर जी भी जानते होंगे, ये जो एक रणधीर कुमार एक इंस्पेक्टर है, आप यकीन करिएगा उनके घर में 37 एसी लगा हुआ है, 37 एसी लगा हुआ है, उनके कुत्ता के लिए अलग एक फ्लोर बना हुआ है, उनके घर में एक स्विमिंग पूल है जिसमें ठंडा और गर्म दोनों पानी होते हैं, और यहाँ आदिवासी को मैया के योजना के तहत हम 1000 रुपया दे रहे हैं जी। भैया मैं तो ये बोलता हूँ हेमंत सोरेन जी को कि साहब ये जितना इन लोग पर तुरंत एफआईआर कीजिए, जिनके इतने जितने संपत्ति है उनको लीजिए, नीलाम कीजिए और मैया योजना को आगे बढ़ाइए। जिस जो नाम आप ले रहे हैं, पैसा नहीं है, पैसा रोने का बात आप बार बार आप लोग कहते हैं, जो नाम आप ले रहे हैं रणधीर कुमार, ये तो भुरकुंडा रहे, ज्यादातर कोयलांचल, ज्यादातर जो मलाईदार जगह होते हैं वहां रणधीर कुमार जी की पोस्टिंग रही और ठीक ठाक पोस्टिंग रही, ठीक ठाक से रणधीर कुमार जी रहे, जहां भी जिस भी जिले में रहे, एक सिंडिकेट है इनका भी, इनके सिंडिकेट में भी कई लोग हैं और अच्छे थाने मिलते हैं इनको, इनमें टैलेंट ज्यादा होगा इसीलिए इनको ऐसे थाने मिलते हैं। लेकिन सवाल यह अरूप चटर्जी साहब कि आपने 1,20,000 करोड़ मेरे को 1,20,000 करोड़ के कोयला चोरी का आरोप लगाया है, आप एक आर्किटेक्ट हैं विनोद कुमार सिंह, उन पर भी आपने आरोप लगाया है, विनोद कुमार सिंह कैसे आरोपों के घेरे में आते हैं कोयला चोरी के मामले में? देखिए अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि बोलूंगा तो यहाँ के जो न्यायिक सिस्टम है, आप चूंकि मामला न्याय प्रणाली में है, सब आपको दिखने को मिल जाएंगे, जो ये विनोद सिंह का क्या करतूत थे, ये जो आर्किटेक्ट थे कैसे वहाँ पोस्टिंग कराते थे, कैसे वहाँ पे पॉइंट बांटते थे, सारा कुछ का डॉक्यूमेंट्स है, सारा कुछ का ऑडियो वीडियो सारा कुछ है, कैसे इन लोग जाके दिल्ली में बड़े बड़े एजेंसियों को मैनेज करते थे, तमाम चीज़ें हमारे पास हैं और मैंने कोर्ट में भी लगा दिया है, और कुछ सीबीआई के हैंडओवर या जो भी अगर एजेंसी हमसे पूछने आएगी दे दूंगा। लेकिन मैं ये बता दूं अभिषेक जी, जी पहले डरते थे हम, जब जेल से बाहर आए ना तो डर नाम का चिड़िया हमारे दिलो दिमाग से निकल गया, और इससे जब एक व्यक्ति को आप ज़्यादा डराओगे ना तो बहुत कठोर हो जाता है, और तब कठोर होता है कि जब सामने वाला गलत हो और हम कोई व्यक्ति सीधा साधा हो और उस पर आप खबर चलाने का, देखिए इतना बड़ा संस्थान है, कौन खबर क्या चल रही है हर एक चीज़ को अरूप चटर्जी नहीं देख सकता है, ठीक है? तो आप एक बात बताइए, जिस तरह से मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बुजुर्ग माता पिता के ऊपर, मेरे पत्नी के ऊपर जो आज तक कभी आई नहीं चैनल में आई नहीं, मेरे बेटे के ऊपर जिस तरह से इन्होंने करतूत किए अपना भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, यकीन मानिए अगर आज नवरात्रा का पहला दिन हमें आज बहुत बड़ा इंसाफ मिला है, और मैं यकीन मानिए दिवाली तक बहुत लोग अंदर होंगे। एक आखिरी सवाल अरूप साहब आपसे, एक आम पत्रकार की आवाज़ को दबाने के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं जब भी वो सिस्टम के खिलाफ बोलता है, किसी का विज्ञापन बंद कर दिया जाता है, किसी पर केस दर्ज कर दिया जाता है, किसी को जेल भेज दिया जाता है, अपने तमाम मनोबल से आपने लड़ा, लेकिन परिवार पर आज क्यों, परिवार को निशाना क्यों बनाया जाता है? मामला पत्रकार से है, मामला खबरों को दिखाने को लेकर है, फिर पत्नी पर, पिता पर, पुत्र पर, आखिर इनको टारगेट कर जताना क्या चाहता है प्रशासन? देखिए प्रशासन, ये सब बातें छोटी हैं, आप लड़ाई बड़ी लंबी है, और जब बोलता है ना कि आपको आग का दरिया पार करके जाना पड़ता है, ये सब बहुत छोटी बातें हैं कि क्या करते हैं, क्योंकि देखिए जिनका जो फितरत होगा वही वो काम करेगा। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ इस राज्य सरकार ने जो घटना घटाई,
मैंने कभी उनके परिवार पे, कभी चैनल के माध्यम से कभी कोई अटैक नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि उनको भले हमारे परिवार के ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर, मेरे पत्नी के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर सम्मान नहीं है, लेकिन मेरे, मैं उतना ही सम्मान करता हूँ, चूँकि उनका काम है राजनीति, हमारा काम है पत्रकारिता। और मैं इतना बता देता हूँ, राज्य के मुख्यमंत्री के जो उम्र है हमसे काफ़ी छोटे हैं, हमारे छोटे भाई की तरह हैं, तो मैं कतई कोई ऐसा चीज़ ना उठाना नहीं चाहूँगा कि उनके उनके दिल में ठेस पहुँचे कि भाई आपने मेरे परिवार पर, नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। बिलो द बेल्ट कभी भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन याद रखिएगा, जो भी कोयला का पैसा एक रुपया भी छोड़ा, वो आदमी जेल के अंदर जाएगा और जाना ही पड़ेगा, और इसमें अब कोई उपाय नहीं है, चूँकि CBI आ गई है, और जिस तरह से हाई कोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया है, मैं ये जानता हूँ, ये राज्य सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ये मैं तमाम चीज़ों को जानता हूँ, लेकिन बहुत बातें मैं कहना नहीं चाहता हूँ, और मैं बहुत बातों को बोलना नहीं चाहता हूँ। मैंने धनबाद के जनता, धनबाद के ऐसे, अब एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है जी, इसमें एक चीज़ और नए जुटेंगे आपको मैं बता देता हूँ, टुंडी आदिवासी की बात करती है सरकार और तमाम नेता, ये राज्य आदिवासी का है। मैं आपको बता दूं, टुंडी में एक गांव है जहां मैं गया था जेल से निकलने के बाद, और वहां गांव में सर्वे किया हूं, उस गांव में करीब 350 लोग लापता है। जानते कहां दबे हुए हैं? धनबाद के बागमारा इलाके में कोयला का चट खदान दबने से वो 350-350 लोग मारे गए हैं। उनके भी देखिएगा हत्या का जो केस होगा ना, वो भी दर्ज होगा, वहाँ भी खुदाई होगी और वहाँ भी नरकंकाल निकलेंगे, तब आपको पता चलेगा मामला का कितना सीरियसनेस है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये पैसा मेरे पास विश्वसनीय सूत्र से जानकारी है, जो मैं संभावित एजेंसी या कोर्ट के हवाले करूंगा फिर जी, कि ये पैसा यहाँ से रूट किया है, ये पैसा रूट करके सिंगापुर गया है, सिंगापुर से ये पैसा लंदन गया है, और लंदन में ये पैसा पार्क हुआ हुआ है। मैं इसीलिए बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि संजीव कुमार के पासपोर्ट को तुरंत जब्त कराऊंगा, और इसके लिए अगर मैं, मुझे कहीं सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगा, संजीव कुमार के पासपोर्ट बिना जमा किए किसी भी दिन, जो व्यक्ति 2 लाख रुपये का जूता पहनता हो, आप समझ सकते हैं कि, और वो कई बार विदेश भी गए हैं बिना झारखंड सरकार और भारत सरकार के अनुमति का, ये भी मामला धीरे धीरे, चूंकि जब से ये CBI के मामला गए हैं तब से कई लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं कि भाई देखिए ना, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, हमने बोला कि आप आओ मुझे जम दो। और मैं आपको अभिषेक जी एक बात बता देता हूँ, हाथ में चूड़ी हम भी नहीं पहन रखे हैं, बच जाएगा देखा जाएगा। निश्चित तौर पर हाथ में चूड़ी नहीं पहने, आत्मसम्मान की जब लड़ाई बन जाती है तो फिर वो न्याय के पाने के हद तक जाती है। 1,20,000 करोड़ के कोयला चोरी का आरोप है, और ये कोयला चोरी करवाया है खाकी ने पूरा संरक्षण देकर। याचिकाकर्ता अरूप चटर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो केस किया है इन्होंने वो धनबाद के तत्कालीन SSP संजीव कुमार पर किया है, जो वर्तमान में दुमका के DIG हैं, और धनबाद से पहले पलामू में रह चुके हैं, जहाँ आज बाबूलाल मरांडी ने हमलावर होते हुए बताया कि एक बच्चा अपने बाप के अपहरण की शिकायत लेकर गया था और पैसे भी देने पड़े उस बच्चे को, लेकिन आज तक उसको अपने पिता का लाश, अपने पिता की लाश देखने को नहीं मिली, कुछ हड्डियां मिली थी उसको बाद में। और इतने आरोपों के बावजूद धनबाद की पोस्टिंग मिली, और जितना बड़ा घोटाला नजर आ रहा है देखने से, ये साफ है कि मामला मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ जा रहा है, और बहुत जल्द इसमें ED हस्तक्षेप करने जा रही है। ED की जद में यह मामला जाएगा, CBI और ED मिलकर मामले को सॉल्व करेगी। बने रहिएगा सभी अतिथि हमारे साथ, अधिवक्ता ऋषभ जी भी हमारे साथ है, ऋषभ कुमार ने याचिकाकर्ता अरूप चटर्जी का पक्ष माननीय उच्च न्यायालय में रखा। ऋषभ जी, क्या ऐसा मामला है कि झारखंड हाई कोर्ट को भी जांच के लिए शीर्ष एजेंसियों को तलब करना पड़ता है, CBI को या ED को देना पड़ता है? क्या राज्य सरकार की एजेंसियों से पहला विश्वास उठ गया, दूसरा कि राज्य सरकार की तरफ से पक्षकार आते हैं कपिल सिब्बल जैसे बड़े अधिवक्ता, जिनकी एक हियरिंग की फीस 25 लाख रुपए होती है, इतने बड़े अधिवक्ता को हायर किया जाता है, क्या महसूस किया आपने अदालत कक्ष के भीतर कि ये क्या हो रहा है? जैसा कि सर, ये रिट पिटीशन जो फाइल हुआ था, ये फाइल हुआ था एक ऑनलाइन FIR से। हमारे क्लाइंट ने एक ऑनलाइन FIR रजिस्टर किया था, जिसमें उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि लार्ज स्केल रैम्पेंट इलीगल माइनिंग हो रहा है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ धनबाद। ये ऑनलाइन FIR इनकी रजिस्टर नहीं हुई, तो सब्सिक्वेंटली उन्होंने 12 मई को
एक ईमेल लिखा जिसने उन्होंने पीएमओ, ईडी, सीबीआई और झारखंड के हायर ऑफिसर्स को उसमें मार्क किया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उनकी एफआईआर को रजिस्टर की जाए। जब उनकी ये एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है तो वो ये हाईकोर्ट आते हैं। हाईकोर्ट में हमने हाईकोर्ट के सामने ये बात रखी कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो लार्ज स्केल रैम्पेंट इलीगल माइनिंग को लेकर हैं एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हाई रैंक ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व्ड है। देयरफॉर कंसीडरिंग दिस द ऑनरेबल कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू हैंड ओवर दिस टू द सीबीआई। टुडे द ऑर्डर वाज पास्ड। द ऑर्डर वाज रिजर्वड ऑन 24th ऑफ ऑगस्ट। ऑन दैट पर्टिकुलर डे द स्टेट गवर्नमेंट हैज फाइल्ड एन आईए जहां पे उन्होंने बोला है कि ये रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं था। मेंटेनेबिलिटी का ग्राउंड उन्होंने इसलिए रेज किया क्योंकि ये कहते हैं कि जो रिट पिटिशनर है उनका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। दिस आर्ग्यूमेंट हैज बीन मीटेड आउट बाय अस इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड आफ्टर कंसीडरिंग दिस द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज रिजर्व द जजमेंट ऑन 24th ऑफ ऑगस्ट। आज जब ये जजमेंट प्रोनाउंस किया गया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि लार्ज स्केल रैम्पेंट इलीगल माइनिंग जो हो रही थी दैट हैज इकोनॉमिकल अफेक्ट्स इन द स्टेट ऑफ झारखंड एंड देयरफॉर दिस मैटर हैज टू बी रेफर टू द सीबीआई। प्रिलिमरी इंक्वायरी डायरेक्ट किया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। सीबीआई एक प्रिलिमरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगी और जब प्रिलिमरी इंक्वायरी में ये पाया जाएगा, अगर पाया जाता है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस मेकआउट होता है, देन द सीबीआई विल रजिस्टर एन एफआईआर। ऑनरेबल एपेक्स हाईकोर्ट ने यह भी डायरेक्शन दिया है कि जितने भी अक्यूज्ड इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसको सीबीआई समन करेगी प्रिलिमरी इंक्वायरी में, दे विल थॉरली कॉपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई अपनी एक प्रिलिमरी रिपोर्ट बनाएगी और उसके बेसिस पे एक एफआईआर दर्ज किया जा सकता है, वो सीबीआई फाइनल कंक्लूड करेगी उस चीज। ऋषभ जी, एक सवाल बनता है आपसे, ये याचिकाकर्ता का जो पक्ष था वो तो हमने जाना, लेकिन जिन पर आरोप लगाए गए थे वो तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार हो या बाकी के डीएसपी हो, इंस्पेक्टर हो, इनके तरफ से पक्ष रखते हुए क्या बताया गया था? अब माननीय अदालत को क्या बताया गया, न्यायालय को क्या बताया गया, एक बार ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सर, उनके तरफ से एक लोकस स्टैंडाई एक लीगल टर्म होता है। लोकस स्टैंडाई सर ये होती है कि आपका रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि आप इस रिट को फाइल ही नहीं कर सकते थे। उसी आर्ग्यूमेंट को हमने मीट किया। उन लोगों का कहना था कि जो रिट पिटिशनर है ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जाएगा, जो प्रेयर किया जा रहा है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जा रहा है। बट जो एफआईआर दर्ज की गई थी, ऑनलाइन एफआईआर, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे, हाईकोर्ट ने एक के बाद एक सारे डॉक्यूमेंट्स देखे एंड देखने के बाद जब हाईकोर्ट को ये कंक्लूड हुआ कि एक ऑफेंस बन रहा है एंड दैट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, बट क्योंकि यहाँ पे स्टेट के हाई रैंक ऑफिसर्स इन्वॉल्व है इसीलिए ये एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, इसीलिए उसने हाईकोर्ट ने आज ये ऑर्डर पास किया है और ये सीबीआई को हैंड ओवर कर दी गई है। स्टेट के हाई रैंक ऑफिसर इन्वॉल्व हैं इसीलिए ऑनलाइन एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। अगर आप पत्रकार हैं, आप सवाल उठाते हैं, चोरी के मामले उठाते हैं, तो आप जेल भेजे जा सकते हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चों, आपके माता पिता पर केस हो सकता है। आखिर इतना ज्यादा हौसला कैसे आ सकता है? आप आवाज तो मत दबाइए साहब, आप अपनी बातें रखिए, हम अपनी बातें रख रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आवाज को दबाने का प्रयास, इस तरीके से पारिवारिक होकर अटैक करना कितना उचित है, इसका निर्णय तो एक दिन जनता को करना है, दर्शकों को करना है। बहुत धन्यवाद ऋषभ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद अरुण चटर्जी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, ये रिपोर्ट देख लीजिए और उसके बाद चर्चा अतिथियों के साथ शुरू करेंगे। अब नहीं बचेंगे धनबाद के कोयला चोर, जेल जाएंगे खाकी के दागदार अफसर, सीबीआई करेगी कोयले के काले कारोबार की जांच, कोयला चोरी पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। न्यूज 11 भारत की पहल लाई रंग। धनबाद में कोयले के काले कारोबार पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोयला चोरी में पुलिस की संलिप्तता की जांच अब सीबीआई करेगी। धनबाद में कोयला चोरी में पुलिस की संलिप्तता की जांच करेगी सीबीआई। रिट याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने दिया
सीबीआई जांच के आदेश। धनबाद के तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार के खिलाफ होगी जांच। कोयला चोरी से जुड़े पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ होगी जांच। डीएसपी अमर पांडे और निशा मुर्मू के खिलाफ भी होगी जांच। इंस्पेक्टर उमेश प्रसाद, रणधीर सिंह भी सीबीआई जांच के दायरे में। आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह के खिलाफ भी होगी जांच। अधिकारियों की साठगांठ से कोयला चोरी का है आरोप। रिट पिटीशन दाखिल हुआ था हाईकोर्ट में, जिसमें ये एलिगेशन लगाया था कि धनबाद में लार्ज स्केल इलीगल माइनिंग हुआ जा रहा है। हमारे बहुत सारे स्टेट के हाई ऑफिसर्स उसमें इंगेज, उसी का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमने एक एफआईआर रजिस्टर करवाया था, बट हमारा ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर नहीं किया गया था, उसी के लिए हम लोग हाईकोर्ट में मूव किए थे फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ दी ऑनलाइन एफआईआर। इसमें स्टेट की तरफ से एक आईए फाइल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ये रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। उसमें ये बोला गया था कि जो पिटिशनर है उनका खुद का क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, इसीलिए ये पिटिशनर मेंटेनेबल नहीं है, और बोला गया था कि उनका कोई लोकस नहीं बनता इस केस में। बट हमने फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दिखाए और आर्ग्यूमेंट हुआ था, वहाँ सुप्रीम कोर्ट से भी लॉयर्स अपेयर किए गए थे इस केस में, और उन्होंने जब फाइनल हुआ, जब कोर्ट ने सुनवाई की, उसके बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया। बट आज जब ऑर्डर प्रोनाउंस किया गया है, उसमें कोर्ट ने सीबीआई को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए भेजा है और बोला गया है कि अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ आएगा तो एफआईआर रजिस्टर किया जाएगा। इसके दौरान कोर्ट ने एक और ऑब्जर्वेशन किया कि जब ऑर्डर रिजर्व हो गया था 24/8 को, उसके बाद स्टेट की तरफ से एक और आईए फाइल होता है 26/8 को, जिसमें बोला गया है कि हम एक और कॉन्ट्रैक्ट एफिडेविट फाइल करेंगे। कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि इस टाइप का प्रैक्टिस को डुप्लीकेट किया जाता है, क्योंकि जब एक बार ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है आफ्टर हियरिंग बोथ पार्टीज, तो उसके बाद इस टाइप के आईए फाइल करना ये एक मैलिशियस थिंग है और इसको डुप्लीकेट किया गया। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट किया है, हाई कोर्ट के फैसले पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का एक्स पर पोस्ट। अधिकारियों सावधान, अब गलत कार्य आपको जेल भेज सकता है। न्यूज 11 चैनल के अरूप चटर्जी की रिट याचिका पर हाई कोर्ट का आदेश। अरूप चटर्जी को जेल में बंद कर झारखंड सरकार ने की थी मारने की साजिश। झारखंड सरकार ने जेल में बंद कर मारने की साजिश की थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बाबूलाल मरांडी ने न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को उनकी हिम्मत के लिए बधाई दी है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि भाई झारखंड बनने के बाद इतना तो कभी भी कोयला की वहाँ चोरी नहीं हुई थी जितना इन हेमंत सोरेन के राज में हुआ, और वो जब एसपी संजीव थे, कुमार थे, उस वक्त हुआ कोयला की चोरी। तो हमने उस समय सार्वजनिक मंच से भी हमने कहा था सरकार को कि भाई ऐसी अफसरों को आपको हटाना चाहिए यहाँ से, लेकिन सरकार ने कभी भी सुना नहीं, बल्कि उनको उनके सहयोगी साथियों का प्रमोशन हो गया। इन्होंने इसलिए प्रमोशन इनको नहीं दिया गया, नहीं लिया गया, क्योंकि इनको धनबाद में बिठाए रखना था, इनसे पैसा कमाना था, और खूब धनबाद में कोयला की लूट हुई, और बाद में फिर प्रमोशन हुआ तो डीआईजी बनकर के शायद दुमका या कहीं पर है। लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हाई कोर्ट ने अरूप जी के केस पर, उन्होंने सीबीआई को जांच के लिए अग्रसरित कर दिया है, तो मुझे लगता है अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किन किन लोगों ने कोयला को लुटाया है, किन किन लोगों का उसमें हाथ है, वो सब कुछ आप सामने आ जाएंगे। धनबाद में धड़ल्ले से कोयले का काला कारोबार चल रहा है, लेकिन जब संजीव कुमार धनबाद के एसएसपी थे तब कोल माफिया बेलगाम हो गए थे। पुलिस के संरक्षण में कोयला चोरी हो रही थी। डीआईजी रैंक पर प्रोन्नति के बाद भी काफी दिनों तक एसएसपी के पद पर जमे रहे। इसी को लेकर न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से आयुष और रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीधे रुख करते अपने अतिथियों का, एक बार फिर से स्वागत कर लेते हैं। बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका।
आदिवासी नेता प्रेम शाही मुंडा साहब हमारे साथ है। प्रेम जी स्वागत है आपका। जेएमएम से बटर सिंह साहब हमारे साथ हैं। बटर जी स्वागत है आपका। आसू से परवाज खान साहब हमारे साथ हैं। परवाज जी स्वागत है आपका। शुरुआत प्रतुल सादे जी से। वक्त की कमी है, थोड़ा कम शब्दों में आप लोग अपनी बात रखिएगा, तथ्यों पर बताइएगा। प्रतुल जी, आवाज दबाने के लिए एक मुहिम सी चलती है, लेकिन ये न्यूज 11 भारत है, सच है तो दिखेगा। हम दिखाते रहे हैं, दिखाते रहेंगे। जेल तक भेजा गया, परिवार को भी फंसाया गया आरोपों में। आज वो खुद, वो लोग, सारे लोग जांच की जद में हैं। अभिषेक, जो अभी घोटाले की बात हो रही थी और जो वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज 11 चैनल के मालिक अरूप चटर्जी जी ने आरोप लगाया था, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, ये देश के अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। अरूप चटर्जी जी ने आरोप लगाया था कि 1,20,000 करोड़ के कोयले की लूट हुई है तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार के कार्यकाल में। साहब, 2G, 3G, 4G तो बौने लगेंगे। सिर्फ झारखंड के एक जिला धनबाद में जो कोयले की लूट हुई है, राष्ट्रीय संपत्ति की लूट हुई है, और जिस पार्टी ने कहा था साहब हम खनन की रक्षा करेंगे, झारखंड की खनिज संपदा का दोहन नहीं होने देंगे, उसी के कार्यकाल में 1,20,000 करोड़ की लूट हुई। और देखिए इसकी कहानी कैसी है, मैं संक्षेप में बताना तो पड़ेगा ही दर्शकों को अभिषेक, कि किस तरीके से न्यूज 11 ने मुहिम चलाई थी धनबाद में तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार के कार्यकाल में, जो खुलेआम कोयले की चोरी हो रही थी, डकैती इसको कहना बेहतर होगा। उसके बाद अरूप चटर्जी जी पर एक के बाद एक 9 मुकदमे ला दिए गए, गिरफ्तारी की गई। नक्सलियों की गिरफ्तारी भी नहीं होती है रात में, रात में उनके घर से मिडनाइट को रात के 12 बजे उनको पुलिस पकड़ कर ले गई, और उसके बाद जब भी उनको बेल मिलता था तो उनको नए केस में उसके जिस दिन बेल से निकलने वाले होते थे उनको फंसा दिया जाता था। अंत में हाईकोर्ट ने उनको 9 महीने के बाद बेल देते हुए कहा कि अब अगर राज्य सरकार किसी और मामले में इनको फंसाती है तो उसमें भी इनका बेल माना जाएगा। तब जाकर राज्य सरकार के तेवर जो थे थोड़े ठंडे हुए, लेकिन धन्य है आपका चैनल और अरूप चटर्जी जी, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। साहब, टूट जाता है कोई व्यक्ति जिसकी अपनी एक दुनिया हो, अपना एक सल्तनत हो, वो जेल के जो चार दीवारी के भीतर कैद था, अपनी धर्मपत्नी से, अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया गया, उल्टे उनकी धर्मपत्नी को प्रताड़ित किया गया, उनके नाबालिग बेटे को भी, जो एजेंसी थी राज्य सरकार की उसके द्वारा प्रताड़ित किया गया, माता पिता को भी नहीं बख्शा गया, लेकिन वो झुके नहीं कभी। उन्होंने देखिए कैसे राज्य सरकार की संलिप्तता इसमें सीधे प्रूफ होता है कि सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड प्रिंसिपल और सेटल्ड जजमेंट है कि आप एफआईआर को मना नहीं कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आप अगर तफ्तीश करने के बाद कोई निर्दोष निकलता है तो एफआईआर खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन एफआईआर किया अरूप चटर्जी ने, राज्य सरकार ने जो सुविधा दी थी उसके अनुसार, लेकिन वो ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ। अब आप बताएं ऑनलाइन एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? क्या इसमें राज्य सरकार की संलिप्तता नहीं थी? और 1,20,000 करोड़ का घोटाला आपको क्या लगता है कि संजीव कुमार अकेले कर रहे थे? लायन शेयर जरूर जाता होगा, लेकिन क्या सत्ता के संरक्षण के बिना इतना बड़ा घोटाला और व्यापार चल रहा था? संभव ही नहीं है अभिषेक। और अभी तो जैसे जैसे पत्तियां खुलेंगी, जैसे जैसे चीजें साफ होंगी, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस राज्य के एक बड़े राजघराने का संरक्षण प्राप्त था कोयला के इस लूट के रैकेट को, और यह बात भी जल्द सामने आएगी। और मैं तो कहता हूं ईडी की तो एंट्री इसलिए भी होगी अभिषेक कि 1,20,000 करोड़ की जो मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रेल आदरणीय अरूप जी ने बताया सिंगापुर और लंदन का, इसमें तो 1,20,000 करोड़ ये देश में खपा नहीं सकते, तो देर सवेर ईडी की एंट्री तय है। और ईडी ही नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया, राष्ट्र की संपत्ति को बेचा, तो हमारा मानना है कि एनआईए भी किसी न किसी समय जरूर इंटरवेन करेगी। लेकिन जो राज सत्ता अंधी हो गई थी, पहले प्रजातंत्र को दबाने का कोशिश किया, फिर उन्होंने पत्रकारिता को दबाने का कोशिश किया। और अभिषेक, भूल सकते हैं कि जब आपने खबरें दिखाई अरूप चटर्जी जी की गिरफ्तारी हो गई धनबाद के कोयला चोरी की खबरें दिखाने के बाद फर्जी मुकदमों में, तो उसके बाद आपके दफ्तर में रेड किया गया, आपके जितने सहकर्मी थे उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए, घंटों रेड चलता रहा, घंटों आपके चैनल को ठप कर दिया गया। तो ये क्या है साहब, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। फाइनली मैं बोल रहा हूं अभिषेक, आपके चैनल का साधुवाद, अरूप चटर्जी जी का साधुवाद, ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। कोई सिंगल घोटाला नहीं है जिसमें 1,20,000 करोड़ का घोटाला हुआ। और हाई कोर्ट ने भी कहा कि साहब स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं इसमें एफआईआर किया जैसा अरूप चटर्जी जी ने कहा था, वही तो प्रथम दृष्टया ये मामला बनता है। और सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने के बाद एफआईआर करने का, अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, और गड़बड़ी तो साहब जिधर देखेंगे, जिस शाख पर देखेंगे कोयला चोर बैठे, गड़बड़ी होगी। और सबसे बड़ा देश का खुलासा आज हुआ।
तत्कालीन धनबाद एसएसपी संजीव कुमार, डीएसपी अमर पांडे, डीएसपी निशा मुर्मू, इंस्पेक्टर रणधीर कुमार, इंस्पेक्टर उमेश प्रसाद, आर्किटेक्ट विनोद कुमार, तमाम कई नाम है जिनको पार्टी बनाकर याचिकाकर्ता अरूप चटर्जी साहब और इस पत्रकार ने केस दर्ज कराया है। 1,20,000 करोड़ की कोयला चोरी का आरोप है, लेकिन नियम से गए थे साहब, पहले ऑनलाइन FIR दर्ज कराया, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार ने की है, पुलिस विभाग ने की है, उसी व्यवस्था को फॉलो किया गया, जो अभी आपने अधिवक्ता को भी सुना। ऑनलाइन FIR क्यों दर्ज नहीं किया गया सर, जांच भी क्यों नहीं कराई गई उसकी? देखिए धन्यवाद अभिषेक, मैं हाई कोर्ट के विजडम पे कोई सवाल नहीं उठाना चाहता, उन्होंने इस जांच को CBI के हवाले किया है, तो उन्होंने केस में कुछ मेरिट पाया होगा या केस जो भी उन्होंने तथ्य उनके सामने रखे गए होंगे, तो मैं एकदम उनके साथ हूँ, जांच होनी चाहिए। अगर किसी भी प्रदेश का कोई भी मिनरल या कोई भी संपत्ति अगर लूटी जा रही है जैसे, बट द प्रॉब्लम इज कि हम लेट अस नॉट जंप द गन, एंड जब तक इसकी जांच के होकर रिजल्ट सामने नहीं आ जाते तब तक, और सबसे बड़ा बात है कि ऐसा मामला है कि इसको क्वांटिफाई 1,20,000 करोड़ क्वांटिफाई कैसे कर दिया? 1,20,000 करोड़ तो कोयला ऑक्शन में भी क्वांटिफाई हुआ था, पर बाद में हमने देख लिया कि रिजल्ट कुछ नहीं निकला, तो वी शुड मतलब सेव आवरसेल्फ फ्रॉम नॉट क्वांटिफाइंग कि हमने की हमने, ठीक है मैं मानता हूं कि अगर ऑनलाइन FIR हुई थी उसको रजिस्टर करके जो जांच अधिकारी था उसको या तो उसको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करके रिजेक्ट कर देते कि भाई मुझे तथ्य नहीं मिले, नहीं करना इज मैं एक्सेप्ट करता हूं कि जो अधिकारी थे उनकी फॉल्ट है। और मुझे बहुत क्लियरली याद है कि आपके चैनल पे संजीव जी के बारे में पहले भी हम एक बार जब वो DIG बनाए गए थे दुमका के, या तो मैंने उस समय अपने वर्ड्स मिंस नहीं किए थे, मिक्स नहीं किए थे, और मैंने सीधा कहा था कि कोई भी अधिकारी अगर पाया जाता है, अगर ये है इन्वॉल्व्ड है, तो ही विल बी टेकन टू टास्क। अब हाई कोर्ट का आदेश आ गया है, CBI इज मोस्ट वेलकम, आए अपना करें, बट एक चीज मैंने अभी बाबूलाल मरांडी जी का एक सेंटेंस आपने सुना होगा, तो वो बहुत कुछ बोल गए उस सेंटेंस में, उसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज मतलब चोरी होती थी, आज तक इतनी बड़ी इतना नहीं होता था, मतलब पहले भी सरकारों में कोयला चोरी होते रहा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि पहले भी हमारी सरकार में भी चोरा। तो मैं खाली मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि ये जो जांच हो ये मायोपिक जांच नहीं हो, वृहद जांच हो। जैसे अरूप जी ने बड़ा अच्छा कहा कि 300 बाघमारा के किसी खदान में, तो बाघमारा क्षेत्र में इलीगल माइनिंग के लिए कौन मशहूर है वो जाने जाते हैं, तो मुझे मेरा खाली इतना रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, CBI से, और जो भी एजेंसी आए, कि मायोपिक जांच नहीं हो, पूरे इसको वृहद स्केल में पिछले 20 साल में चाहे जहां तक जांच जाए किसी को नहीं छोड़ा जाए पार्टी से हटके, मतलब ये नहीं कि BJP का है तो उसको छोड़ दिया जाए। और जहां तक फ्री प्रेस का बात कर रहे हैं, देखिए फ्री प्रेस अरूप जी ने आरोप लगाया, बराबर समय हो गया है, एक मिनट के लिए मैं खाली एग्जांपल दे देता हूं कि ये खाली झारखंड में ये एग्जांपल नहीं है कि जैसे किसी ने यहां की यहां कहीं ले जाएंगे 1,20,000 करोड़ का, आप क्वांटिफाई कर दीजिए, बता दीजिए, नहीं मैं चैलेंज कर रहा हूं, बता दीजिए, बताइए कि कितने ट्रक गए, कितने हिसाब से कोयला गया, बताइए 1,20,000 करोड़ पहले इनसे डिसाइड कर लीजिए। की बात पर विश्वास नहीं है अरूप चटर्जी जी ने जो अपने याचिका हाई कोर्ट के ऑर्डर पे मुझे विश्वास है, हाई कोर्ट के ऑर्डर में 1,20,000 ने 50 FIR किए केंद्रीय कोयला मंत्रालय को लिखा कि चोरी हो रही है, ये डकैती करने वाले लोगों की सरकार है और इसकी आंच ऊपर तक जाएगी, जो प्रदेश का अभी बड़ा राजनीतिक घराना है। अभी आपने अधिवक्ता को भी सुना, तो वो भी मान रहा हूँ जांच होनी चाहिए, कोयला चोरों की सरकार है, आप कैसे कह रहे हैं संजीव कुमार 1,20,000 करोड़ की कोयला चोरी? बाबूलाल मरांडी ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि हम भी करते थे चोरा, पर इतना नहीं करते थे, ये कैसा इंसाफ अभिषेक? चलिए प्रतुल साहब, चोरी हमारे में भी होती थी पर इतनी नहीं होती, 20,000 करोड़ की कोयला चोरी कर लेगी। बटर साहब बाबूलाल मरांडी साहब ने ये जरूर कहा कि बड़ी चोरी है, लेकिन ये भी कहा कि इनको कोयला चोर नहीं है तो डकैत कहे जाने चाहिए। और धनबाद ने पिछले दो तीन सालों में धनबाद की जनता जिस तरीके से सड़क पर उतरी, धनबाद के नेता सड़क पर उतरे, जिस तरीके से प्रोटेस्ट आया कोयला चोरी को लेकर, वो अपने आप में
कई सवालों का कई तरह के सवाल खड़े करता है जिस तरीके से अपराध बढ़े। मैं तो तैयार, मैं तो बोल ही रहा हूं, जांच होनी चाहिए। अब तो सर आपके मेरे बोलने से होगा नहीं, अब तो जब हाईकोर्ट ने कह दिया तो जांच होगा, लेकिन जांच राज्य सरकार को भी करवाना चाहिए। दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि एक न्यूज चैनल का ये संचालक, एक वरिष्ठ पत्रकार अगर ऑनलाइन FIR करते हैं वो भी दर्ज नहीं होता। आपको जो आश्वस्त किया जाता है कि ऑनलाइन FIR की व्यवस्था है, कर दीजिए, दर्ज होगा, और उसी FIR पर हाईकोर्ट आज आदेश करता है CBI को जांच करने के लिए। सेम कॉपी है, कॉपी में कोई बदलाव नहीं है, ये व्यवस्था है। ये वरिष्ठ पत्रकार को वही चलिए। प्रेम साहिब मुंडा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम साहिब मुंडा साहब, जमीन आदिवासियों की, सरकार आदिवासियों की हितैषी, लेकिन धनबाद एक ऐसा शहर बन गया जिसमें आदिवासी IPS बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं ऐसे कई IPS को जानता हूं जो पिछले 5 साल से सेंटिंग में समय गुजार रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, उनको पोस्टिंग भी ढंग की नहीं मिलती। लेकिन संजीव कुमार साहब को पहले धनबाद SSP बनाया जाता है, फिर वो DIG में प्रोन्नत हो जाते हैं, लेकिन DIG में प्रोन्नति के बावजूद उनको वहां का 6 महीने के करीब में SSP बना के रखा जाता है। बड़ा सवाल, क्यों बना के रखा जा सकता है? डेढ़ साल जो भी होगा, और उसके बाद DIG में उनको सीधे दुमका दिया जाता है। दुमका में कोयला भी है, दुमका में पत्थर भी है, दुमका में कई सारी चीजें हैं। इतनी मेहरबानी के पीछे कारण क्या है? क्या एक ही अफसर पूरे राज्य को, उनके हर महत्वपूर्ण जिले को चलाने के लिए काबिल है, बाकी हमारे पास कोई दूसरा अधिकारी नहीं? क्या हमारे आदिवासी IPS अधिकारी धनबाद की योग्यता नहीं रखते? देखिए, सबसे पहले तो अरूप चटर्जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने केस किया है, पहले केस करनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा जो धनी जिला है धनबाद है, और वहाँ आदिवासियों का क्षेत्र रहा है, बहुत मर गए हैं वहाँ पर, किसी का आता पता नहीं है। और हम लोग सुनते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग होती है और बड़े बड़े अफसर का वहाँ नियुक्ति होती है। आदिवासी गैर आदिवासी की बात नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि जो अभी जांच हो रही है, CBI ने बहुत अच्छा काम किया है, हाईकोर्ट ने जिसको CBI पर सुपुत किया है, राज्य सरकार को जांच करना चाहिए। हम तो कहते हैं कोयला में जो बातें होती है, और भी एक मसले हैं, प्रदूषण, उस प्रदूषण में सब पैसे खाते हैं, चाहे अफसर हो चाहे नेता हो, क्या लोग खाते हैं उसमें, अरबों रुपये का घोटाला होता है। उसकी डस्ट जो है, उसकी फेंकने का हवाजहाज से फेंकने का समुद्र में नियम है, लेकिन वो काम नहीं करता, उस पैसे को खाता है। तो ये बहुत बड़ी स्कैम है, ये घोटाला को लेकर के जो केस होगा तो देखते हैं कि हमें लगता है कि सब जो है अंदर जाने से रुकेंगे नहीं। और सुनते हैं कि संज्ञान लिया ED ने भी, तो मैं कहना चाहता हूं जितने भी जो अभी तक शुरू से लेकर अभी तक जितने भी वहां पर IPS होंगे, DSP होंगे, सभी का जांच होना चाहिए, ताकि आदिवासी का, देखिए आदिवासी का तो क्षेत्र में है वहां पर खदान, लेकिन देखिए उसमें रेवेन्यू सबसे बड़ा देश को देता है, और हमें लगता है 40% देता है वहाँ पूरे देश के लेवल पर, लेकिन अभी तक इस पर जो है क्रांतिकारी काम नहीं हुआ था। और हम लोग को केस करना चाहिए, राजनेता को केस करना चाहिए, लेकिन ये पत्रकार जी ने उठाया। मैं तो वरीय पत्रकार अरूप चटर्जी से ये भी मांग करना चाहते हैं, समय आएगा तो जमीन घोटाले पर भी आप केस करिए, हम लोग साथ रहेंगे। जमीन घोटाले पर भी केस कीजिए, साथ होंगे निश्चित तौर पर। यह बड़ी बात कही प्रेम साहिब मुंडा साहब ने कि हम लोगों को केस करना चाहिए था, राजनेताओं को केस करना चाहिए था, लेकिन कोई आगे आके केस नहीं किया। किसी ने, लोगों ने आवाज जरूर बुलंद की थी, चाहे वो BJP हो, विपक्ष हो, आदिवासी नेता हो हमारे, आवाज बुलंद की थी लोगों ने, लेकिन आगे आकर केस करना एक उलझन लेना होता है साहब। कौन वर्दी वाले से सीधे सीधे लड़ना चाहेगा, किसको अपने घर परिवार से प्यार नहीं? हम ही लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि अंदर संशय नहीं होता, कल हो सकता है मेरे या मेरे किसी सहयोगी के साथ भी कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, ये कभी भी हो सकता है। इससे क्या करें, इससे भाग के कहां जाए? अगर आवाज भी ना खोले, जुबान भी ना खोले, तो क्या करें साहब? जितना बर्दाश्त हो पाता है उतना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। प्रवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवाज, 1,20,000 करोड़ लगभग की शिकायत की गई है कि इतने का कोयला गायब हुआ, और ये आंकड़े निकाले गए हैं जो CCL, BCCL, JBCCL जो भी आंकड़े जो कोल कंपनियां हैं उनके यहां से कांटों पर जो वजन हुआ है और जो ट्रैक किया गया है, जो गाड़ियां निकली हैं यहां से वहां गई हैं, गाड़ियों की जो कीमत, एक गाड़ी में अगर 20 टन कोयला आता है तो उसकी कीमत क्या होती है, उसके आधार पर एक रफली इन्वेस्टिगेट किया गया। मुझे ये बताइए कि ये किसका घाटा है? क्या ये राज्य सरकार का घाटा नहीं? क्या ये राज्य की जनता का पैसा नहीं? क्या ये कोयला इसका राजस्व किसको नुकसान हो रहा है सीधे सीधे? देखिए अभिषेक,
शीतकालीन सत्र में जब संसद में कोयला मंत्रालय ने बताया था कि भारत में 426 कोयला खदानें एक्टिव है, जिसमें 119 झारखंड में। अब झारखंड में 119 है, तो जब झारखंड में जब 119 खदानें हैं तो यहाँ झारखंड के लोगों के लिए है यहाँ। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि झारखंड केंद्र सरकार ने एक ऐप भी जारी किया था जिसको खनन प्रहरी के नाम पे देखा जाता है। लेकिन खनन प्रहरी कौन निकले? अरूप चटर्जी जी निकले। आज अरूप चटर्जी ने बताया, देश को बताया, उनके मार्फत से बताया कितने इस तरह का, जब इस राज्य में जो कानून व्यवस्था जो ध्वस्त हो चुकी थी, अरूप चटर्जी जी एपेक्स कोर्ट पे गए। एपेक्स कोर्ट ने आज सीबीआई को निर्देशित किया है कि इसकी जांच किया जाए। ये आप लाखों और करोड़ों का रुपया के बारे बात करते हैं, मैं तो ये बात करता हूँ कि कितने झारखंडियों की जान, कितने झारखंडियों के शरीर उस कोयला खदान में गई है, उसकी नरकंकाल कितने निकलेगी, ये सीबीआई उसकी गिनती पूरा करेगी। सबसे पहले तो झारखंडियों को आपने अवैध खनन के लिए मारा, उसको जब सीबीआई जब निकालेगी तो ये देखिएगा कि झारखंडियों की कितनी हत्याएं हुई हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। अवैध खनन है, अवैध खनन के लेके आप जिस तरह से झारखंड में जो विधायिका जो कार्यपालिका पे जो काम करना चाहती है, जो प्रशासन पे काम करे, वो जो लगाम नहीं है, जो भ्रष्टाचार या शिष्टाचार का रूप ले लिया था, वो आज एक दानव का रूप ले लिया है। जिस तरह से कोयला खदान जिस तरह से लूटे गए हैं, यहाँ की खनिज संपदा लूटी गई है, आज देखिए माननीय एपेक्स कोर्ट ने साबित कर दिया कि यहाँ के प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं होके सीबीआई को जांच कर निर्देशित किया। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद होना चाहिए पत्रकारिता जगत के जो वरिष्ठ पत्रकार है अरूप चटर्जी को, जो उन्होंने पत्रकारिता धर्म निभाया और साथ साथ में ये चीज़ को दे के आया कि यहाँ देखिए झारखंड के लोगों का किस तरह से दोहन हो रहा है। शारीरिक दोहन तो हो ही रहा था। झारखंड के जो धनबाद का क्षेत्र है अभिषेक, उसमें 1.5 लाख लोग विस्थापित है अपने जमीन से कोयला खदान के लेके। आज वो देखिए उनके सर पे छत नहीं है, लेकिन वो मौत के शिकार हो रहे हैं यही अवैध खनन के चलते। इन्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमें तो आग्रह करूंगा सीबीआई को कि टाइम बॉन्ड में इसका एक इंक्वायरी सेटअप करे और उसको जांच करे, ताकि जल्द से जल्द इस पे, क्योंकि झारखंड सरकार देखिए चुनाव पे जाने वाली है, इतनी बड़ी मतलब घोटाले की खबर इस तरह से आई है, ये तो लोगों को हस्तप्रत कर देने वाली है। अब देखिए कितने लाशें निकलेंगी, कितने अवैध खनन के बारे में लोग आएंगे, ये तो सब सार्वजनिक पटल पे है। लेकिन सीबीआई जब उसको लेके आएगी, माननीय कोर्ट के समक्ष पे पेश करेगी, तो ये सरकार को करारा तमाचा लगेगा। चलिए एक बार बटर सिंह साहब का रुख करता हूँ। बटर साहब, अवैध माइनिंग का जो खेल होता है वो जनरली बंद पड़ी खदानों से, फॉरेस्ट एरिया से अवैध उत्खनन कर किया जाता है, ये बात सार्वजनिक सत्य है। अगर मीडिया इस बात को दिखाती है तो ये बेचैनी क्यों? अगर पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व नहीं है, अगर मैं सीधे सीधे आईपीएस संजीव कुमार साहब की बात करूं, बाबूलाल मरांडी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि पलामू से ही इन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, बावजूद उसके विपक्ष को तो तरजीह नहीं दिया गया, बावजूद उसके ना मीडिया को तरजीह दिया गया, उनको मनमाना पोस्टिंग दिया गया, मनमाने पोस्टिंग पर गए, और वहां धनबाद में भी उन पर तरह तरह के गंभीर आरोप लगे, कई तरीके के गंभीर आरोप आए। लेकिन ऐसे लोग क्या सत्ता के गलियारे के दुलारे हो जाते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई भी अधिकारी, संजीव कुमार का एग्जाम्पल चल रहा है क्योंकि ये इस केस से रिलेटेड है, कोई भी ऐसा अधिकारी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से यूपीएससी में जब चुना गया, उसको देश का एक सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों में से एक माना गया, और वो आके इस तरह से अगर अपने पर्सनल फायदे के लिए अपनी ड्यूटीज़ को छोड़ के दूसरे काम कर रहा है, तो ये दुर्भाग्य इस देश का है। खाली झारखंड मैं आपको मेरे पास लिस्ट है, मैं फिर बोलेंगे कि आप भटक रहे हैं कि झारखंड इज नॉट मतलब ओनली स्टेट। मेरे पास लिस्ट है कब, मैं आज जब ये खबर आई थी मैं यही देख रहा था कि ऐसा क्या होता। 25-30 जैसे अभी एक चंडीगढ़ में, पंजाब में था, चंडीगढ़ में एक मोहिंदर सिंह के यहाँ रेड पड़ी, 18 करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात और 1 करोड़ रुपया कैश उनके यहाँ मिला। वो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ थे फॉर लास्ट 5 ईयर्स। तो ऐसे लोग, ऐसा नहीं है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं देखिए इन्होंने कहा हमाम में सब नंगे हैं, तो हमाम में ये भी है। मैंने मेरा खाली इतना कहना है कि ये जो आजसू के हमारे प्रवक्ता मित्र ने आरोप लगाया कि जांच होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं जांच होनी चाहिए, बट जांच खाली हेमंत सरकार की नहीं होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए जब से झारखंड बना, झारखंड का कितना कोयला बाहर गया, मतलब क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने खुद एक्सेप्ट किया कि ये डकैती हो रही है, पर चोरी उन्होंने मान ली कि हम चोरी करते थे,
तो उस चोरी की जांच नहीं होनी चाहिए। अगर ये बोल रहे हैं कितनी लाशें, तो क्या इनको यही मालूम है कि अवैध खनन जब से हेमंत जी आए हैं या जेएमएम की सरकार है तभी से अवैध खनन बंद माइनिंग में हो रहा है कि उससे पहले भी होता था? हमने देखा कि जहां जहां झरिया में आग लगी हुई थी बहुत सारे अवैध माइनिंग, बहुत सारी पहले के भी न्यूज है। तो मेरा कहना, मैं किसी तरह से आज इस ये इसमें नहीं जाऊंगा कि नहीं विच हंट हो रहा है, ये हाईकोर्ट का आदेश है। आप सर तमाम चीजें बता रहे हैं सर, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि खबरें दिखाने के लिए आप जेल भेज देंगे। आप ये नहीं बता रहे हैं कि अगर मैं याचिका करता हूं तो मेरी याचिका सुनेगी। अगर अरूप जी के साथ अनफॉर्चुनेट हुआ तो संदीप सद्दीकी कप्पन, जो आज तक यूपीए में बेल नहीं मिली और उनको भी जब सुप्रीम कोर्ट ने किया और यहाँ बैठकर घड़ियां लिया सुप्रीम कोर्ट में, मतलब ये कौन सा लॉजिक? हाथरस रेप घड़ियां करने जा रहे थे तो आदित्य योगी ने उनको अरेस्ट किया। आज आरोप वो भी एक पत्रकार के पैनल है और आपने उनको जेल भेजा। मुझे 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 ये बहुत आश्चर्य लगता है। बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा नहीं मैं ट्रेंड की बात मैं एक बात कहता हूँ ना कि मैं अपने घर से आ रहा हूँ प्रवाज, मैं अपना अगर सुधार करने निकलूंगा तो अपने घर से शुरू करूंगा ना, कि अपने घर की जगह मैं दिल्ली और चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के जाके वहां से पैरवार रखना शुरू करूँ। साहब आप लोग जब झारखंड की बात करते हैं आप हमें उत्तर प्रदेश घुमा देते हैं, मध्य प्रदेश घुमा देते हैं, राजस्थान छत्तीसगढ़ घुमा देते हैं। अमेरिका में है, यूरोप में? नहीं नहीं मैं अपने राज्य की बात कर रहा हूँ, देश की सोसाइटी, मैं अपने राज्य देश की अगर सोसाइटी और पॉलिटिकल पर अगर देश की सोसाइटी में मुद्दा वो नहीं है, बड़ा मुद्दा है, मुद्दा है, मुद्दा है कि दमन की और कई कहानियां हैं जो हम लोग व्यक्तिगत तौर पर किसी को नुकसान नहीं करना चाहते इसीलिए स्क्रीन पर नहीं दिखाते। हम लोग हम वही दिखाते हैं जिसके तथ्य होते हैं, प्रतुल यापी के पास आ रहा हूं। लेकिन ये दमन की कहानियां अच्छी नहीं है, दमन का ये रवैया अच्छा नहीं है। मीडिया शुड बी फ्री, प्रतुल जी, मीडिया शुड बी फ्री, सीधा बात मैं बोलूं। देखिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार, अभी मैं बोल सकता हूं? हां बोले बोले। देखिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पे तो फांसी हो जाती है, तो यहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखिए किस तरीके का है। एक थानेदार के क्षेत्र में कुछ होता है तो सब उसको पता होता है क्या हो रहा है। यहाँ एक एसपी के क्षेत्र में लगातार कोयले का खनन चल रहा था, क्या राज्य सरकार को पता नहीं था? स्पेशल ब्रांच को पता नहीं था? क्या सीआईडी को पता नहीं था? दूसरी बात, जो संजीव कुमार डेढ़ वर्ष से ज्यादा तक डीआईजी रहे उनको प्रमोशन नहीं दिया गया, राज्य सरकार ने उनको रखा। अभिषेक मैं हाइपोथेटिकली आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, अनूप सोनू जी इसको बुरा नहीं मानेंगे, कल आपको चैनल का प्रधान संपादक बनाया जाएगा तो क्या कहेंगे साहब? नहीं मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर ही रहूंगा। यही संजीव कुमार ने किया, सिर्फ एसएसपी बन के रहने के लिए 18 महीने राज्य सरकार ने उनको डीआईजी में प्रमोशन नहीं दिया, ये क्या था साहब? और तीसरी बात, जो पूरा रैकेट चल रहा था, अब तो ऑनलाइन एफआईआर, मैं पहले भी कह चुका हूं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एफआईआर आप डिनाई नहीं कर सकते, क्यों अरूप चटर्जी के ऊपर जो फर्जी मुकदमे आपने किए और उनका ऑनलाइन एफआईआर को डिनाई किया? और जो ये कह रहे थे ना संजीव कुमार और इनके जितने साथ चट्टे बट्टे थे सब पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। बस मैं 20 सेकंड में आपको बताता हूं अवैध खनन में कितने झारखंडियों और कितने जो बंगाल के लोग हैं उनकी जाने गए। अभिषेक आपको पता है ना वो गरीब लोगों को 500 रुपए में देकर रैट होल रैट माइनस को घुसाया जाता है बंद पड़ी खदानों में और 500 रुपए में निकालकर उनको ट्रकों से भेजा जाता है। पहले लोग बोरिया में लेकर जाते थे अपने घर के अंदर कोयला जलाते थे, वो चोरी होती थी, यह डकैती थी, हजारों का हजार हाईवा ट्रक रोज निकलता था। मैं मुख्य आपको जो अवैध खनन में हुई सिर्फ 10 सेकंड में बताता हूं। 10 जून 2023 धनबाद इलीगल माइन कोलैप्स, 3 लोगों की मृत्यु, 12 लोग घायल। उसके बाद आप आ जाए 17 जून 2023 को इलीगल माइनिंग जो हुआ चिरकुंडा में, उसमें पूरा जमीन धस गया, 2 लोग मर गए। उसके बाद एक आई डीसी ने कमेटी बनाई 10 जून 2023 की घटना के बाद, उस कमेटी के रिपोर्ट का आज तक पता नहीं। उसके बाद मैं बताता हूं 9 जून 2023 4 लोगों की मृत्यु हो गई धनबाद में अवैध खनन में। उसके बाद आ जाइए 17 जुलाई 2023 3 लोगों की और मौत हो गई धनबाद में और 18 लोगों का कोई अता पता नहीं चला। उसके बाद 1 फरवरी 2024 में आइए 6 लोगों की मौत हो गई और कितने लोग जमीन दोज हो गए आज तक पता नहीं चला। तो ये धनबाद के जो अवैध खनन है ना, इसने सैकड़ों लोगों की जान ली। और अभिषेक इतने गरीब लोग होते हैं ना कि पुलिस उनको डराती है कि अगर तुम्हारा लाश मिल गया तुम्हारे आदमी का तो तुम्हारे ऊपर अवैध खनन का मामला होगा और तुम्हारा घर जब्त हो जाएगा। सब लोग चुपचाप ले जाते हैं, या तो दबा देते हैं लाश को या जला देते हैं, पुलिस तक ये बात नहीं पहुंचती। तो ये सिस्टम के द्वारा की गई हत्याओं पर भी हत्या का मुकदमा होना चाहिए। और शर्म करो सरकार, आज तो अरविंदर
दिल खोल के बोलो कि तुम लोगों ने अरूप चटर्जी जैसे एक जो शानदार पत्रकारिता की जिसने मिसाल दी थी उनके साथ अन्याय किया था, मध्य रात्रि में जबरदस्ती उनको उठाकर ले गए थे। आज तो हाईकोर्ट ने भी माना कि अरूप चटर्जी जिन्होंने प्रथम दृष्टि आरोप लगाए थे वो सही थे, राज्य सरकार को FIR करना चाहिए था और आज CBI जांच के आदेश दिए तो राज्य सरकार एक्सपोज हो गई और बिना सत्ता के संरक्षण के संभव नहीं। अभिषेक, सत्ता के शेष का संरक्षण। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, वक्त एक ब्रेक का हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि पोषित अधिकारी होते हैं, अधिकारियों को स्वतंत्रता होती है, अधिकारी अपने मन से निर्णय लेते हैं, संरक्षण आखिर किसका होता है कि प्रमोशन के बाद भी 1.5 साल तक पद पर आप एक ही जगह पर बने रहते हैं? क्या क्राइसिस का दौर था? क्या राज्य में उस वक्त कोई SSP उस स्तर के SSP नहीं थे जिनको धनबाद की बागडोर सौंपी जा सकती थी? सवाल कहीं है। बात कोयला चोरी की चल रही थी, बात यह भी थी कि वर्तमान में भी कोयला चल रही है, कोयला चोरी हो रही है। आपको आंकड़े दिखाता हूं 2020-21-22 के, एक बार आंकड़े देख लीजिए कि कोयला चोरी कितना हो रहा है और आईवास के नाम पर जो छापामारी होता है दोनों के बीच में क्या तालमेल है, एक बार दिखाता हूं आपको, रिपोर्ट दिखाइए एक बार। 2023 तक के कोयला चोरी के आंकड़े भयावह। झारखंड में धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा और लातेहार में जमकर कोयला चोरी। अवैध कोयला को खपाया जाता है स्थानीय प्लांट में। GT रोड के रास्ते बनारस, पश्चिम बंगाल और बिहार में खपाने के मामले। बंद पड़ी खदानों, अवैध उत्खनन और फॉरेस्ट लैंड से की जाती है चोरी। झारखंड से प्रतिदिन 500 से ज्यादा अवैध कोयला लदी गाड़ियां निकलती हैं। एक ट्रक में करीब 20 टन कोयला लोड किया जाता है। ग्रेडिंग के अनुसार 6000 से लेकर करीब 11000 रुपए प्रति टन कोयले की कीमत। प्रति गाड़ी की कीमत करीब 1,20,000 से लेकर 2,40,000। 500 गाड़ियों की कीमत करीब 6 करोड़ से लेकर 12 करोड़ तक। वर्ष 2020 में 832 छापेमारी। दर्ज किए गए 716 केस में 1,255 गिरफ्तारियां। अवैध 17,667 टन कोयला बरामद किया गया। वर्ष 2021 में 1,168 बार हुई छापेमारी। 697 केस दर्ज किए गए जिनमें 870 गिरफ्तारियां हुई। 4,623 टन अवैध कोयला बरामद किया गया। वर्ष 2022 में 1,021 बार की गई छापेमारी। पुलिस ने दर्ज किए 823 केस, 862 गिरफ्तारियां। अवैध कोयले की बड़ी खेप 7,502 टन बरामद। आंकड़े हैं गवाह, प्रति वर्ष 35 से 40 लाख टन कोयला चोरी। बरामदगी 10,000 टन से भी कम। छापेमारी से आई वॉश का खेल। अभी भी धनबाद में अवैध कोयला कारोबार धड़ल्ले से जारी। हार्ड कोक भट्टों में खपाया जा रहा है अवैध कोयला। खाकी के नाक के नीचे इस काले खेल को कौन दे रहा अंजाम? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, आंसू से परवाज जुड़े हुए हमारे साथ, परवाज के पास चलते हैं। परवाज, हर साल 35 से 40 लाख टन कोयले की चोरी, कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं 6000 से लेके 11000 रुपए प्रति टन होता है। मेरे पास उतने शून्य का हिसाब नहीं है, मुझे जोड़ना पड़ेगा, किसी CA से पूछना पड़ेगा मुझे कि आखिर इतना कोयला चोरी का पैसा जाता कहाँ है, कहाँ कहाँ से मिलता है ये नोटों का पहाड़, कोयला कहाँ जाता है? अभिषेक देखिए, आपके पास भी शून्य का नहीं और मैं तो सुन के ही शून्य हो गया कि कितना शून्य होगा। ये अवैध कारोबार जिस तरह से फला फूला, इस जो भ्रम फैला के जो सरकार आई थी उसके बाद, अभी बटर साहब बोल रहे थे कि एपेक्स कोर्ट के बारे में बता रहे थे कि हमने एक सवाल पूछा और बटर साहब को लगा, मैं झारखंडी जितने जो अवैध खनन के बारे में, जो अवैध खनन के चलते जो जिनकी मृत्यु हो गई, जो अवैध खनन के चलते वो दबे हुए हैं, मैं उन कंकालों को खोजने की बात किया था। इनको कंकाल से डर लगता है, पता है क्यों डर लगता है? इनको कहीं ससीना झा का कंकाल याद आ जाता है, इसलिए ये बोल रहे। लेकिन मैं हर एक झारखंडी का कंकाल को खोजना चाहता हूँ। पैसा और कोयला का हिसाब तो कर ही लेगा, कोर्ट भी कर लेगा, CBI जांच के बाद भी आ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा बात है
कि ये खनन का प्रहरी बन के जो अरूप जी निकले हैं उसको सब उनको सब बार बार धन्यवाद कि उन्होंने झारखंड को इस तरह का दिखाया जो बार बार मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम गरीब राज्य से हैं, हम गरीब राज्य से, और वो किस तरह से वो बोलते कुछ और है, और खनन का जिस तरह से उन्होंने काला कारोबार जो सेटअप किया था आज उसका जो पटाक्षेप हुआ है उसके लिए मैं बार बार अरूप जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो रीट जो उन्होंने लड़ा, जेल जाके लड़ा, अपने परिवार के लिए लड़ा, और उसके बाद भी देखिएगा कि जब एपेक्स कोर्ट ने जब सीबीआई की अनुशंसा की तो मैं बार बार आग्रह करूंगा सीबीआई एक टाइम बॉन्ड पे इसका रिपोर्ट सार्वजनिक करे और एपेक्स कोर्ट के समक्ष रखे ताकि जो झारखंडियों की लाश जो दबी हुई है जो कंकाल के शक्ल में वो भी आए और लाखों करोड़ों रुपया जो घोटाला हुआ है उसका भी हिसाब ये सरकार पहले तो कर रहे हैं आग्रह याचिकाकर्ता अरूप चटर्जी साहब की भाई उनका पासपोर्ट जब्त कर लीजिए नहीं तो पता नहीं कहां लंदन वंदन में पैसा किसका कहां डंप है। नहीं मुंडा साहब जल जंगल जमीन की लड़ाई थी, हमारे आंदोलनकारियों ने यही लड़ाई शुरू की थी ना, जल जंगल जमीन को बचाना था, माटी बेटी रोटी की लड़ाई थी। आप लोग उग्र हैं, आप लोग हर तरीके से अपने संस्कारों से बंधे हुए हैं, झारखंड को विकसित देखना चाहते हैं, ऐसे विकसित होगा? एक तरफ हम मैया सम्मान योजना के नाम पर कुछ मदद करते हैं या और कोई योजना चलाते हैं, दूसरी तरफ इतना ज्यादा घोटाला, इतना बड़े घोटाले के आरोप लगते हैं, आखिर इतना रुपया जाता कहां है? इससे तो कई ऐसे घरों में चूल्हे जल जाएंगे जिनको दो वक्त की रोटी आज भी मुफ्त के अनाज के लिए लंबी लाइनें लगनी पड़ती हैं, दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। देखिए सरकार जो है आदिवासियों के लिए पॉलिसी बनाया नहीं है, जो नीतिगत फैसले करना चाहिए रोजगार के लिए किया नहीं है। मैया योजना देकर के आदिवासियों को ठगना चाहती है, 1000-2000 रुपया देकर के। आपकी कोयले की बात हो रही थी, कोयले की बात को लेकर के हम समझते हैं कि हम लोग खाली सोचते थे कि कोयला कोई उत्पादन करता था उसके लिए व्यापार के लिए खाली चिंतन करते थे, कर नहीं पाते थे। हम लोग का उतना सोच आदिवासी मूलवासी को जाता नहीं था, कही जाती थी कि वहाँ के बड़े बड़े राजा लोग करते हैं, वासेपुर क्या क्या गोलियाँ चलती थी, फिल्म देखा करते थे। आज पता चल रहा है कि हमारे वरीय पत्रकार केस किए हैं चटर्जी जी, और इसका पूरा तथ्य सामने आएगा। देखिए हम लोग चाहते थे ऐसा, कब इसके घोटाले पकड़ाएंगे? हम तो चाहते हैं जितने भी सीएमडी हुए हैं बीसीसीएल के सीसीएल के उसकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, शुरू से जब से बना है तब से लेकर के अभी तक, और सीबीआई को इस पर पुख्ता ये करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जैसे बात बता रहे थे कि सही में वहाँ का जमीन बहुत आदिवासियों का गया है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का की पॉइंट है राजनीति का टुंडी से उस क्षेत्र का, उस समय सरायढेला में उसकी अधिवेशन हुआ करती थी, राजनीति वहाँ हुआ करते थे, लेकिन आज तक कभी भी यहाँ के मुख्यमंत्री ने समता जजमेंट का आवाज नहीं उठाया कि वहाँ की जमीन का अधिकार आदिवासियों को होना चाहिए, नीतिगत फैसले होना चाहिए। वो सिर्फ सब जानता ही है, देखिए पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, लेकिन वहाँ सब जानता है कि जो भी अभी किसी को कौन एसपी है भाई, वो तो हेमंत बाबू के एसपी है, वहाँ कुछ नहीं कर सकते हो, वो बाबू के एसपी है, इस तरह की चर्चाएं हैं आम महलों टोलों में, पान घूमती में चर्चाएं होती है। तो इसलिए ये जो बहुत बड़े ऐतिहासिक कदम है यहाँ पर जो सीबीआई का जांच हो रहा है, भगवान करे सही बोले आप, टाइम बॉन्ड के साथ होना चाहिए, क्योंकि दूध का पानी का हो, क्योंकि हम देखते हैं कि बोरा में ले जाने वाले साइकिल वाला कुछ थाना प्रभारी पैसा लेता है, बताइए मतलब वो चोर लगता है कि वही बड़ा चोर है, सब पड़ा रहता है उसको पैसा ले जाती है। इसलिए जो छोटा चोर है बड़ा चोर हो, लेकिन हमें लगता है महाघोटाला दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला होगा, यदि होगा तो झारखंड में होगा और धनबाद में होगा। इसके लिए सीबीआई की जांच जो की जा रही है वो बहुत अच्छा है आने समय में। और जहां तक मैया योजना ये सब योजना देखिए, अभी तक सरकार ने, मैं कहना चाहता हूं 23 वर्ष हो गए, संघीय ढांचा में रोजगार का पैमाना होना चाहिए, उसके लिए काम नहीं किया गया, कोई नीतिगत फैसले नहीं हुए, हमारा ट्राइबल्स क्या बोलते हैं उसको यूनिवर्सिटी नहीं खोला गया, भाषा पर संरक्षण नहीं है, जमीन हमारी लूटी जा रही है। तो हमारा लगता है कि इनको कोयला पे ही नजर रहता है, सरकार को कहां से हमारे नीतिगत फैसले होगा, कोयला पत्थर बालू यही सब। अभी हम बात कर रहे हैं तो सोचता होगा कि नहीं आदिवासी ऐसा बोल रहा है, यार आदिवासी सबसे ज्यादा ये अभी हो रहा है, तड़प रहा है, अभी कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए देखिए इस पर जांच होनी चाहिए, हम लोग आप संज्ञान दिलाए हम लोग को, हमको लगता है कि और भी मामले में हम लोग केस करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, जमीन के मामले में भी आप जैसे जिस तरीके से आप लोग लड़ रहे हैं आदिवासियों की जमीन के लिए, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं प्रेम साहिब मुंडा साहब की, एक नोट कर लीजिए, कुछ अंचल बता देता हूं, जैसे कांके अंचल के अंतर्गत आता है नगड़ी बुकरू कांके चौड़ी, यहां से लेकर पिठौरिया तक चले जाइए, आदिवासियों को जो जमीन कायमी जमीन मिली हुई थी जमींदार से, उस जमीन को सरेंडर दिखाया जा रहा है 1955-56 के डेट में।
बैक डेट से सरेंडर बनती है, बैक डेट से सरेंडर के कागजात बनते हैं और फिर उस जमीन को जनरल करके बेचा जाता है। अभिषेक, मैं तो बार बार बोला कि डिजिटली यहाँ पे लूट हो रही है जमीन। डिजिटल NIC.in का तो अलग खेल है। हाँ। ये मैं आपको वो खेल बोल रहा हूँ कि आदिवासी मूलवासियों की जमीन को लूटा जा रहा है सरकार के माध्यम से। जमीन ही उसके नहीं, जमीन तो किसी आम आदमी की है, जनरल आदमी की है। और वो जनरल आदमी कौन है, वो कोई है ही नहीं। चेहरा आपका लगा हुआ है, नाम मेरा लगा हुआ, ऐसे होता है, पहचान ही नहीं हो पा रहा। डिजिटल लूट हो रहा है, इसके लिए के माननीय अध्यक्ष बार बार इस चीज को इंगित किया ना कि यहाँ जिले और थाने तो बिकते ही हैं। जो एसपी का कार्यालय है, एसपी का ऑफिस भी किस तरीके से बिका पिछले 5 वर्षों में, किसी से छिपा नहीं। पर वो घटना कैसे भूल सकते हैं कि नामकुम में लगता है कि सीओ साहब ने मीटर डाउन कर दिया था, तो उनको इतनी हड़बड़ी थी, आधे घंटे इंतजार नहीं कर पाए, ईटा से अपना जो वो ताला था तोड़वा के मीटर डाउन ले लिया। मीटर डाउन बिल्कुल। और देखिए आजकल आप देखिएगा प्रदोष यादव साहब, अचानक रात में आदेश निकलता है, फिर विलोपित होता है, कुछ लोगों को फिर पुनः वापस बुला लिया जाता है सामने वाला। मीटर डाउन यही है। और दूसरा कि बहुत सारा मूवमेंट ऑर्डर रुक जाता है। अभिषेक देखिए, अभिषेक 1,20,000 करोड़ का बड़ा साइंटिफिकली अरूप जी की याचिका को पढ़ेंगे, ऑनलाइन FIR जो किया था उसको पढ़ेंगे, मुझे वो पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने बिल्कुल BCCL CCL ने क्या किया, कैसे वो जियो टैगिंग से जिस तरीके से खनन था, 2020 में क्या स्थिति थी, सैटेलाइट इमेजेस से 2023 में क्या स्थिति हो गई, बहुत अच्छे से प्रूफ किया गया है। 1,20,000 करोड़ का झारखंड का एनुअल बजट है। मैया सम्मान योजना में ये जो मैया को दे रहे हैं 50 लाख मैया भी मान ले तो 500 करोड़ का महीने का बजट होता है, 6,000 करोड़ का साल का। संजीव कुमार जी ने तो 1,20,000 करोड़ का बजट खड़ा कर दिया, यानी 20 गुना ज्यादा मैया को दे सकते थे अगर ये डकैती रुक जाती। झारखंड के एनुअल बजट से ज्यादा का लूट हुआ है। और फिर से धन्यवाद करते हैं आपके चैनल को, जितने तमाम विषम परिस्थितियों में, मुझे वो दिन भी याद है जब आपको तमाम आपके आर्थिक स्रोत को बंद कर दिया गया था, अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था, आपके जो कर्मचारी थे उनको प्रताड़ित किया जाता था, डराया धमकाया जाता था, संचालक जेल के भीतर थे। लेकिन धन है आपका चैनल, आपने हार नहीं माना और आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जाने दीजिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट, चार दूध का दूध वहां भी पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है। और अब मैंने कह रहा हूं ना कि संजीव कुमार तो इस सिस्टम के एक सिंबल है, असली लोगों ने जो खेल खेला, और संजीव कुमार जिनके सबसे बड़े प्यादे थे उन तक ये जांच की आज पहुंचनी चाहिए और हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो सैकड़ों जानी गई झारखंडियों की और जो पश्चिम बंगाल से आए लोगों की, जिनको कॉलोनीज में बसा के रखा जाता था, रैट माइनस के रूप में प्रयोग किया जाता था। एक सवाल, मीडिया हाउसेस में भी छापामारी की गई, उस समय मीडिया हाउस में भी छापामारी की गई, क्या मिलता मीडिया हाउस में? आपको यही पत्रकार हम लोग मिलेंगे, हमारे फोन जांचिएगा तो बटर सिंह साहब का नंबर मिलेगा या जेएमएम के किसी बड़े नेता का नंबर मिलेगा या भाजपा के नेता का नंबर मिलेगा या किसी बिजनेसमैन का नंबर मिलेगा, हम लोगों के पास और क्या मिलेगा सर? अगर हम लोगों के पास पैसा वैसा रहेगा तो ला के कोई ऑफिस में तो अपने रख नहीं लेगा, उतना पैसा होता तो फिर नौकरी भी कोई क्यों करता, कुछ और ही काम हम लोग कर लेते अपनी। आजकल तो पोर्टल का टाइम है सर, सब अपना अपना पोर्टल हम लोग खोल लेते। मीडिया हाउसेस को दबाने की ये कवायद के बीच आज जो याचिकाकर्ता वरिष्ठ पत्रकार अरुण चटर्जी ने मांग की है कि IPS अधिकारी संजीव कुमार के पासपोर्ट को जब्त किया जाए सबसे पहले, क्या राज्य सरकार इस पर अब स्टेप लेगी, आप कोई कदम उठाएंगे बेटा साहब? देखिए, सबसे पहले तो मीडिया हाउस को किसी तरह से, क्योंकि इट इज अ पिलर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, उसको दबाना नहीं। फिर क्यों रेड हुआ? मैं एक मिनट, फिर आप ही बोल लीजिए बात। मेरी क्यों रेड किया? अरे आपको थोड़ी जवाब, मैंने जनता को बता रहा हूं। डेमोक्रेसी कह रहे हैं और रेड भी करते हैं, मतलब लोकतंत्र का आधार भूत संरचना कहते हैं और रेड भी कर दिया। अनफॉर्चुनेट, कल अनफॉर्चुनेट, मतलब कल ये आया था कि NDTV पे CBI ने क्लोजर दे दिया कि वहां जो रेड, अरे हम न्यूज 11 पे चर्चा कर रहे हैं, अरविंदर जी जवाब दीजिए, क्यों रेड हुआ सर? सुन तो, क्यों रेड हुआ? ये प्रकरण के आप जहां पकड़े जाते हैं वहां ये बोलने नहीं देते हैं दूसरे। नहीं नहीं, क्या पकड़े? आज ये सवाल है कि हरारा तो मैं बोल देते हैं, चुप कराइए, क्या मिला अधिकारी को? चुप कराइए तो मैं बोल देता हूं, जब कर लिया आपको क्या मिला न्यूज 11 के रेड में? कुछ एक एक रिपोर्ट और आप बाबूलाल बनाते सामने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो लेकर पहले बड़े जी को एक बार बोल दीजिए। आपने जो अभी रिपोर्ट दिखाई, 40 लाख टन कोयला जी हर साल, सही हो कि गलत है? ये आंकड़े हैं, आंकड़े सही है ना जी? 11,000 आपने कहा, मैं 15,000 लेके चलता हूँ जी, 6,000 करोड़ रुपए साल का होता है इसका जी, 20,000 करोड़। हाँ जी, खाली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मेरे पास कैलकुलेटर, आप भी कर लीजिए, 6,000 × 20 1,20,000। अरुण जी गलत बोल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? 40 लाख टन
1,20,000 करोड़ रुपया होता है उसको ये बता रहे हैं 20 साल में 1,20,000। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मायोपिक जांच ये 3 साल 4 साल की नहीं होनी चाहिए, 20 साल। संजीव कुमार का पासपोर्ट जब्त होगा, कैलकुलेट कर लिए बोलिए आप, संजीव कुमार का पासपोर्ट जब्त करेंगे या तो आप गलत आंकड़े दिखा रहे हैं या 1,20,000, ये गलत। संजीव कुमार का पासपोर्ट जब्त होगा, रुक जाए प्रतुल जी, रुक जाए बटर जी, मैंने बता दिया आपको, आप जिस पॉलिसी पे चल रहे हैं, पॉलिसी पे नहीं चल, मेरी एक बात, मैं वो मान रहा हूँ की ठीक है हुआ, मेरी टुंडी के अंदर कंकाल निकालेगी सर, अवैध खनन का मामला सीबीआई तो अधिकारियों पर जांच करेगी, सरकार मीडिया की आवाज को अनसुना रहेंगे, नहीं दबाना दबाइए, नहीं अनसुना भी करते हैं साहब, अभी तो नहीं चाहिए। अभी तो वरिष्ठ पत्रकार ने ये कहा कि मेरे पास साक्ष्य हैं, आप समन्वय स्थापित करके साक्ष्य लेके खुद से राज्य सरकार क्यों नहीं पहल करती है, आपको उन मांगिए, अगर आपको नहीं मिले करने देते साक्ष्य। चलिए, आज बाबूलाल मरांडी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि चोरी तो छोड़िए साहब, इन लोगों को डकैत कहना चाहिए, आपको वो भी रिपोर्ट दिखाते हैं, एक बार वो रिपोर्ट चलाइए बाबूलाल मरांडी साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट। अब नहीं बचेंगे धनबाद के कोयला चोर, कोयला चोरी में शामिल दागी अफसरों पर कसेगा सिकंजा, झारखंड हाई कोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश, सीबीआई को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए भेजा है और बोला गया है कि अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ आएगा तो एफआईआर रजिस्टर किया जाएगा। हाई कोर्ट के फैसले का बाबूलाल ने किया स्वागत, बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, हेमंत सरकार में रिकॉर्ड कोयला चोरी, धनबाद में जिस प्रकार से कोयला की चोरी हेमंत सोरेन के राज्य में हो रहा था, यानी पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया, उसको कह सकते हैं बेहताशा कोयला की चोरी। सरकार के संरक्षण में कोयला चोरी, और कोयला की चोरी मैं कहूंगा कि सरकारी संरक्षण में हुआ, और किस प्रकार से सरकार के संरक्षण में हुआ, सरकार ने किस प्रकार से वहां पर जो दागी अफसर थे, कमचोर का तो नहीं बल्कि चोरी करने वाला जो सरकार या डकैत कह सकते हैं, इस प्रकार के अफसरों को वहां पर पदस्थापित किया गया। अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि हम सब लोग आवाज उठाते रहे, राज्य सरकार ने तो कभी भी उसकी जांच की कभी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए, बल्कि ऐसे अपराधी में जो शामिल अफसरों को बिठा करके रखा, राज हाई कोर्ट ने उसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा की, जानकारी मिल रही है तो इससे बड़ी प्रसन्नता है, हाईकोर्ट को मैं बधाई दूंगा। और मैं ये समझता हूं कि भाई इसकी जो सीबीआई की जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब तो दागी अफसरों पर कार्रवाई करे सरकार, जितने भी अफसर वहां पदस्थापित रहे और कोयला की वहां चोरी होती रही, आज तो सीबीआई ने जांच के आदेश दे दिए, सीबीआई जांच करेगी तो सब पता चलेगा, लेकिन आज भी उनको कार्रवाई कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर देना चाहिए, और नहीं तो यही माना जाएगा कि इस कोयला की लूट में, इस चोरी में हेमंत सोरेन की संलिप्तता है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई, सरकार के विरोध में लिखता है, सरकार के विरोध में दिखाता है, सरकार के विरोध में बोलता है, वैसे लोगों के ऊपर केस भी करते हैं, जेल में भी डालते हैं, शासन को टूल्स की तरह यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, ताकि सरकार के विरोध में कोई भी आवाज हो उस आवाज को दबाया जाए,
सरकार के विरोध में लिखने वाले बोलने वाले व्यक्ति को कमजोर किया जाए, उनको डराया। तो बाबूलाल साहब ने तमाम तरीके की बातें कही, कई तरीके के आरोप लगाए हैं राज्य सरकार पर। एक बार रुख अतिथियों का करते हैं, समय कम है, 30-30 सेकंड में जवाब दीजिएगा बट साहब, फाइनल भी अपना जवाब दे दीजिएगा। बाबूलाल साहब ने सीधे सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में यह कोयला की चोरी होती है और मैं चोर बोलता हूं तो मेरे खिलाफ हर जगह केस दर्ज करा दिया जाता है, तो ऐसे मतलब पुलिस के सहायते सरकार चलेगी क्या? नहीं देखिए, भाषा ही मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि प्रीसिडेंस है कि कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि ये शब्द अगर चोरी शब्द अगर किसी इसके लिए यूज किया जाता है तो केस होता है और सजा भी होती है। तो इस पे मैं खाली बाबूलाल मरांडी जी का आपने जो किया, उन्होंने कहा रिकॉर्ड ब्रेक किया, इसका मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने भी रिकॉर्ड बनाया था। बस इससे ये कह के मैं बार बार कह रहा हूं कि ये व्यापक जांच होनी चाहिए, मायोपिक जांच और पॉलिटिकल विंडेटा के हिसाब से जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि झारखंड का अगर एक भी पैसा कोई चोरी करके बाहर ले गया है उसको जवाब दे यही होना चाहिए। प्रभात साहब जी, फाइनल देखिए, अब ये सत्ता के लिए क्या बोलेंगे, जब झारखंड का आंदोलन हो रहा था इन्होंने आंदोलन भेज दिया, आज जिस तरह से अवैध कारोबार का जिस तरह से फला फूला, ये तो संविधान का परंपरा को ही भूल गए। ये राज्य में जब कानून व्यवस्था राज्य सरकार का हिस्से आता है अभिषेक, लेकिन ये तो उसको ही भूल गए। ये जो प्रशासन जिनको लिए जो राज्य के लिए सुरक्षा के लिए मुहैया करना चाहिए उसको अवैध कारोबार में लिप्त कर दिए सरकार। तो इस सरकार को क्या किस तरह से बोला जाए, किस तरह के क्या टैग दिया जाए, लेकिन इसमें एक ही बात मैं टैग दूंगा कि ये खनन के प्रहरी तो अरूप जी निकले। खनन के प्रहरी वरिष्ठ पत्रकार अरूप जी निकले। प्रेम साहिब मुंडा साहब, कैसे बचेगी जल जंगल जमीन? बालू घाट का टेंडर नहीं हो रहा, बालू की चोरी हो रही है, पहाड़ के पहाड़ गायब हो जा रहे हैं, जांच पे जांच हो रहे हैं, बड़े लोग फंस रहे हैं, अब कोयले पर भी आ गया है। कि कोयला तो खैर पुराना मामला था, लेकिन पहली बार कोई सामने आया है और खुलकर आरोप लगाकर केस दर्ज करा दिया है। देखिए सर, इस पर जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष रूप से, क्योंकि राजनीति का की पॉइंट कोयला रहा है, चाहे कोई पार्टी हो। जब से राजनीतिक शुरुआत हुई है 1989 से जो राजनीति होती थी लालू के समय से लेकर के अब तक, वहाँ कोयले धनबाद से ही बिहार चलता था और आज के दिन में भी धनबाद के पैसा से पूरे पॉलिटिकल पार्टी चलता था। और ये बहुत केस होकर के बहुत अच्छी बात हुई। अब हमें लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमको पैसा तो आदिवासियों को मिला नहीं, न नीति सिद्धांत मिला। हमारे पुरखा लोग कितने मरे उसकी हम पता करने जाएंगे वहाँ पर, कि कितने मरे कितने क्या हुए। और हम मांग करना चाहते हैं, यदि यहाँ के जो मुख्यमंत्री यदि अभी भी यदि सुबुद्धि है तो कोयला का अधिकार हमको आदिवासियों को दिया जाए समता जजमेंट के आधार पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून बनाया जाए यहाँ पर और आदिवासियों को दिया जाए खदान, कोयले का अधिकार पर आदिवासियों को दिया जाए निश्चित तौर पर, मिल जाना चाहिए जिस तरीके की लूट मची है। प्रतुल चादर साहब, फाइनल, एक पहल की है एक मीडिया कर्मी ने, लेकिन उसके लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ी उसको। देखिए अभिषेक, मैं सच में कहता हूँ सैल्यूट आपके चैनल को, सैल्यूट अरूप चटर्जी जी को। तमाम विषम परिस्थितियों में जेल जाने के बाद भी उन्होंने अपनी इस मुहिम को नहीं छोड़ा और आज ये मुहिम ने पहला कदम लिया और अब सीबीआई जांच का मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन अभिषेक कहते ना, जिस तरीके से सेल्स की दुनिया में टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने यूनिट्स बेचने हैं, उस समय धनबाद में पुलिस फोर्स को भी टारगेट दिया जाता था कि साहब आपको अपने थाने से इतने टन अवैध कोयले की उगाही करनी है। और इसके पीछे क्या होता था, वो वहां के जो मुखिया होते थे जिले के, वो कहते थे साहब हमारे बिग बॉसेस को हमें देना है रिपोर्ट। तो ये इसी तरीके का यहाँ खेल चला, जो कोयले का अंधा व्यापार चला, अंधा लूट चला। कहते ना अति का अंत होता है, और इस अति के अंत की शुरुआत में कहते ना रावण की लंका में आज आग लगाई अरूप चटर्जी जी ने, और झारखंड उनके लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगा, क्योंकि ये कोयले का जो खेल है ना, अब यकीन मानिए, अब धनबाद जो भी एसपी जाएगा ना, आपने रिपोर्ट दिखाई, लेकिन अब कुछ समय तक उसकी रुक कांपेगी, क्योंकि सीबीआई इस मामले की जांच करने जा रही है। चलिए, तो धनबाद जो भी एसपी जाएगा अब उसकी रूह कांपेगी। कई एसपी हैं जो पहले भी कोयला क्षेत्र में रहे हैं और अभी फिर धनबाद में उनका नाम टॉप पर चल रहा है कि यही बनाए जा सकते हैं अगले एसएसपी धनबाद के, और कोयला क्षेत्र से ही गए हैं, अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। बहरहाल, एक मीडिया कर्मी, एक वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी साहब ने एक शुरुआत की, वो अदालत तक गए। मैं फिर से दोहरा दूं, अदालत तक गए। आज जांच का रास्ता साफ हुआ है, जांच के आदेश अदालत ने दिए हैं, जांच होगी खुद सब कुछ सामने आता जाएगा, इतना विश्वास है। और साथ ही साथ अरूप चटर्जी का यह भी दावा है कि साक्ष्यों और तथ्यों के साथ प्राथमिकी दर्ज कराई है और साक्ष्य और तथ्य के साथ हर संभवतः हर एजेंसी के सामने खड़ा होने को तैयार हूं, कहीं भी आपको आजमाना हो आप बुलाकर साक्ष्य तथ्य जांच कर ले।
धन्यवाद देते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ आसू से परवाज खान साहब थे, परवाज जी बहुत धन्यवाद आपका। जेएमएम से अरविंदर सिंह देओल और बटर सिंह साहब थे, बटर जी बहुत धन्यवाद आपका। आदिवासी नेता प्रेम साई मुंडा साहब हमारे साथ थे, प्रेम जी बहुत धन्यवाद आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।